हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सैम। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं स्टू। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम बनाना। मैंने गैस को ऑन कर लिया है। गैस के ऊपर मैंने एक भगोने को रख लिया है। आप चाहो तो प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैंने भगोना लिया है। और मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर मैंने ऑयल लिया है, ये मेरा 300 ग्राम है। अब मैं ऑयल को भगोने के अंदर ऐड कर देती हूँ। देखिए, मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब इसको हम अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम प्याज को ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, देखिए मैंने प्याज को ले लिया है। प्याज मेरी 1 kg है। मैंने इसको अच्छी तरीके से छील कर कट कर लिया है। अब इसको हम ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। इसको ऑयल में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए प्याज को हमने ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया है 1 मिनट के लिए। प्याज के अंदर अब मैं थोड़ा से मसाले ऐड करूंगी। मसालों में लिया है 10 से 15 काली मिर्च, 5 से 6 लौंगे, 1 स्पून मैंने जीरा लिया है, 3 लिए हैं मैंने तेज पत्ता, और 1 मैंने ले ली है बड़ी इलायची। अब इन सारे मसालों को मैं प्याज के अंदर ऐड कर दूंगी, जो हमारा ऑयल था। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम 2 से 3 मिनट इसी तरीके से ऐसे चलाते रहेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर 1 kg गोश्त ले लिया है। अब मैं ये ऑयल और प्याज के अंदर ऐड कर देती हूँ। देखिए हमने गोश्त को सारा अपने भगोने के अंदर ऐड कर दिया है। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेंगे। फ्राई कर लिया है अच्छी तरीके से। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 4 से 5 मैंने सारे लाल मिर्च को कट किया है, ये मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने ले लिए हैं 6 से 7 हरी मिर्च, ये भी मैंने कट कर ली थी, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मैंने ली है देगी लाल मिर्च, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास देगी लाल मिर्च ना हो तो आप कश्मीरी लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरीके से। देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से, सारे जो मसाले थे वो मैंने इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम पानी को ऐड करेंगे। यहाँ मैंने ले लिया है 1 कटोरी पानी, ये मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरीके से गल जाए। अब इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक कि हमारा गोश्त गल नहीं जाता। अब हम चेक कर लेते हैं क्योंकि हमारे 10 से ज्यादा मिनट हो चुके हैं। देखिए अभी इसमें पानी ज्यादा लग रहा है, इसलिए हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे। हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देते हैं और पानी को ड्राई कर लेते हैं ऐसे ही खुला पका। देखिए हमने जो स्टू में पानी था उसको ड्राई कर लिया है। और यहाँ मैंने ले लिया है 150 ग्राम दही, ये मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं हम और इसको अच्छी तरीके से अब भून लेते हैं हम। देखिए हमारा स्टू बिल्कुल भूनने पे आ गया है, ये इसका ऑयल सरफेस पर आ रहा है। अब हम 2 मिनट का और वेट कर लेते हैं। देखिए हमारा ऑयल सरफेस पे आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर दिया है हमने और स्टू हमारा बनकर रेडी हो गया है एकदम। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। गाइस, देखिए स्टू की मैंने प्लेटिंग कर ली है। देखने में कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है ये। तंदूरी रोटी के साथ इसका जायका और बढ़ जाता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना।